विदर्भ चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ की गई ऑनलाइन मीटिंग में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर के ब्रॉडगेज मेट्रो के सपने को साकार होने पर बधाई देते हुए खुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि देश की पहली ब्रॉडगेज मेट्रो गोंदिया नागपुर के बीच शुरू होगी। नागपुर से अमरावती, बैतूल, छिंदवाड़ा, वर्षा, यवतमाल व रामटेक शहरों के लिए भी शुरू होगी। इसकी रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। इसमें 8 डिब्बे होंगे। पहला व आखिरी डिब्बा लगेज का होगा। इसमें दवाइयां व अन्य सामान जो एसी में ही सुरक्षित रहते हैं उनके लिए ही रेल में यह व्यवस्था होगी। मेट्रो ट्रेन पूरी तरह से एसी व हवाई यात्रा का एहसास देने वाली होगी। इसका टिकट रोडवेज की बसों के किराए के सतमूल्य होगा। 2 डिब्बे बिजनेस व 4 इकोनॉमिक क्लास के होंगे। अगले 1 से 1.5 वर्ष के अंदर यह योजना साकार हो पाएगी, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी है। और ये मेट्रो हमारे देश की पहली मेट्रो है जो नागपुर से अमरावती, नागपुर से छिंदवाड़ा, नागपुर से बैतूल, नागपुर से गोंदिया, नागपुर से वड़सा, फिर नागपुर से यवतमाल और नागपुर से रामटेक और ये सब रोड पर चलेगी। और इसकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नागपुर से अमरावती जो है वो केवल 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट में हो जाएगा। तो नेचुरली आपके लिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यापारियों के लिए बहुत फायदा होगा। ये 8 डब्बे की गाड़ी होगी। 6 डब्बे में 2 डब्बे बिजनेस क्लास के और 4 डब्बे इकोनॉमिक क्लास के होंगे। सबको टीवी होगा सामने, एयर कंडीशन गाड़ी है। फॉरेन में जो वेस्टर्न कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में ऐसी गाड़ी है। और इसमें जैसे आपको प्लेन में बैठकर आजकल नाश्ता चाय पानी मिलता है वो मिलेगा, इसके साथ साथ एयर होस्टेस जैसी लड़कियाँ लड़के उसमें सेवा देंगे। और विशेष रूप से इसमें 2 डब्बे जो होंगे माल के लिए होंगे, दवाइयाँ, मिल्क प्रोडक्ट्स, सब्जियाँ। NBCN न्यूज़ के लिए अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।